हेलो स्टूडेंट्स, और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को, और इसके पिछले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो वो सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट में लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके अगर क्रैश कोर्स में पीछे के वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लीज आप सबसे पहले जाके उन्हें देखें, देन आफ्टर आप कंटिन्यू करें इस लेक्चर से, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे आगे की, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि WBCA के लिए बहुत हेल्पफुल ये चैनल है। और अगर अपन बात करें तो कट ऑफ पे भी बात करते हैं अपन, जितने भी कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ मैंने रिसेंटली अपलोड किया, और कॉलेज रिव्यू का भी सेक्शन आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, और भी WBCA रिलेटेड 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, जो कि जितने भी WBCA के वीडियोस होंगे रिलेटेड वो सभी उसी प्लेलिस्ट में आएंगे, ठीक है। तो प्लीज उस प्लेलिस्ट को आप सेव करके रखना, सारे वीडियोस उसी में आएंगे, ठीक। और अगर पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में भी इन्फॉर्म कर देना कि कैसा लग रहा है आपको क्लास, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे आज के क्लास को, ठीक। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक। इसके पीछे अपन सब्स्टिट्यूशन सभी पढ़ा दिया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कब कब सब्स्टिट्यूट करते हैं, कब कब सब्स्टिट्यूशन का ख्याल आएगा, ये सभी चीजें, फॉर्मूला याद करने का तरीका भी आपको सब चीज बताया हुआ है, ठीक। तो इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब मैंने शायद लेक्चर में कहीं ना कहीं आपको बोला था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन दिखे ना तो हमेशा साइन और कॉस में खेला करो, ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस के नाम पे बहुत फॉर्मूला अपन को पता है। तो अगर साइन और कॉस के नाम पे खेला गया तो टेन एक्स को लिखा जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ठीक। अगली लाइन में गए और हमने टेन एक्स को फोटो बदल दिया और टेन एक्स को लिख दिया साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। क्या मैं एस अपॉन में सी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। अच्छा, कॉस एक्स को अगर लिखा गया तो टेन एक्स का उल्टा होता है, तो इसको लिखा जाएगा सी अपॉन में एस। अच्छा सर, sec x को कैसा लिखा जाएगा, cos x का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन में c। अच्छा सर, cosec x को कैसे लिखा जाए, तो sin का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन में s, ठीक। अच्छा, अब अगली लाइन में क्या कर रहे होगे, सिवाय LCM के कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर अपन LCM ले तो कितने लोगों को दिख जाएगा, नीचे नीचे आपका cos x into sin x बनेगा जो ऊपर चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, cos x into sin x को ऊपर लिख दिया। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट सर, क्या cos x नीचे कैंसिल होगा तो sin x का स्क्वायर हो जाएगा? हाँ सर। अच्छा, sin x यहां से नीचे मिलेगा तो cos x अपना स्क्वायर हो जाएगा, cos x का स्क्वायर प्लस में, यहां से cos x कैंसिल हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा आपका sin x प्लस में cos x। आई आपको कहानी समझ में? हाँ सर, आ गया कहानी, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो हर किसी को पता है वन ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स देखो इसका की पॉइंट क्या होता है, टू, क्योंकि टू लगाते हैं टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अब नहीं रह पाएगा, वो बन जाएगा साइन टू एक्स, ठीक है। तो मैंने तुरंत इसके आगे टू लगा दिया, ठीक, क्योंकि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जब भी मल्टीप्लाई में होंगे सामने टू आपको दिखना चाहिए, नहीं है तो खुद से लगाएंगे और फिर बैलेंस भी तो कर देंगे सर, 1/2 की डिवाइड मार के, बिल्कुल ठीक है। तो 2 cos x into sin x ने फोटो बदला और वो हो गया sin 2x। अच्छा सर, एक मिनट, और नीचे तब तक sin square plus cos square x ने अपने आप को 1 कर दिया, प्लस में यहां पे हो गया sin x plus में cos x। क्या ये सवाल पढ़ाया हुआ है आपको सॉल्व करने का तरीका? अरे भूल गए हो क्या? नहीं भूले होगे ना कि sin 2x को ऊपर देखा, नीचे है आपका sin x plus cos x। एक मिनट सर, आपने बोला था साइन टू एक्स अगर ऊपर रहेगा तो नीचे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स होना चाहिए, बट आज के दिन वो नहीं है, आज के दिन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो भले ऊपर हो भले नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो यहां प्लस से तो इसको लिख रहे होंगे माइनस वाले तरीके से, पिछला लेक्चर में बताया था। नहीं समझ में आ रहा है तो जाके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे 1 माइनस में, माइनस से शुरुआत करेंगे, 1 माइनस में साइन 2x, ठीक है। क्या ये मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में? हाँ सर, लेकिन उसमें बताया था जब डेनोमिनेटर में रहेगा तो, जरूरी नहीं है वो ऊपर भी हो, अगर साइन x प्लस कॉस x दिखेगा तो मैं ऐसा बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, नीचे नीचे मैं क्या लिख दूंगा, नीचे लिखूंगा 1 प्लस में साइन x प्लस में कॉस x। अब कितने लोगों को दिख गया कि ये तो किसी का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन 2x। हाँ, बच्चे ने बोला ये फॉर्मूला है सर 1 माइनस में, ये फॉर्मूला है साइन x माइनस कॉस x के होल स्क्वायर का। अच्छा, अब तो क्वेश्चन आप ही सॉल्व कर लोगे। क्यों सर, क्यों सॉल्व कर लेंगे? क्योंकि अपन नीचे वाले को t बोलेंगे तो ऊपर वाला dt बन जाएगा, ठीक। बट हमारा काम नहीं बन रहा होगा ऐसा करने से, देखना 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानोगे तो ऊपर वाला dt कहां बन रहा है, तो काम नहीं बन रहा। तो कहीं ना कहीं इस फंडे में थोड़ा ध्यान से खेलेंगे। कैसे कैसे खेलेंगे, ये तो तरीका गलत हो जा रहा है सर। हाँ, क्यों गलत हो जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस हो तो माइनस से लिखो तब जब साइन 2x नीचे हो,
तो आज के दिन जस्ट उल्टा है, साइन टू एक्स ऊपर है और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे है, तो फंडा उल्टा लगाएंगे। कैसे 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 मतलब सर? मतलब ये कि अगर प्लस से शुरुआत किया ना तो इसको अब माइनस से शुरुआत करके देखो, ठीक है? ये अपन प्रोसेस गलत हो गया, याद करके तो एग्जाम में नहीं जाओगे ना, लगाओगे आगे ये वाला मेथड, फिर चेक करोगे इससे काम नहीं बन रहा है, तो वन अपॉन में टू, अब प्लस से शुरुआत कर देते हैं। तो अगर प्लस से किया तो साइन टू एक्स को कैसे लिखेंगे? वन प्लस में साइन टू एक्स, अच्छा सर, और माइनस का वन, ठीक है, अपॉन में नीचे है, वन प्लस में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, दिख रहा है आपको? ठीक है सर, दिख गया दिख गया। अब अगर दिखे तो वन प्लस में साइन टू एक्स तो आपको होता है, इसको लिखा वन अपॉन में टू, और वन प्लस साइन टू एक्स क्या होता है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ये होल स्क्वायर था तो माइनस वन का भी होल स्क्वायर कर दिया, क्यों? और नीचे तो है आपका वन प्लस में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। ऐसा क्यों किया सर? ऊपर माइनस वन का होल स्क्वायर क्यों किया? ताकि अपन फॉर्मूला लगा सके। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या ये दिखेगा आपको? ए दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन, ठीक है, और प्लस में बी, अरे यही होता है ना, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस में वन, क्या यही होगा? हाँ सर, ठीक है। और नीचे नीचे क्या चलेगा? नीचे हो जाएगा आपको वन प्लस में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, यही होगा। अब एक बच्चे ने बोला सर मजा ही आ गया, कैसे? ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, अब बस इंटीग्रेशन में बच गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन। क्या कर लोगे इंटीग्रेशन? क्या साइन एक्स का कॉस एक्स नहीं माइनस कॉस एक्स होता है? हाँ, अंत सी से हो रहा है। कॉस एक्स का क्या साइन एक्स होता है? हाँ, और माइनस वन का क्या एक्स होता है? कर लोगे? बिल्कुल सर, ठीक है। चले अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और बात करेंगे e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब जब भी e की पावर x देगा उसके बगल में कुछ फंक्शंस देंगे तो अपन को कैसे सॉल्व करना है? अब आपको बस एक काम करना है, आंसर तो मैंने लिख दिया, आंसर होगा e की पावर x इंटू फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन नहीं, e की पावर x इंटू फंक्शन। अच्छा, तो मतलब सर पूरी कहानी में मेरा काम क्या होगा? मेरा काम होगा कि मुझे फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कौन है इसकी आइडेंटिफाई कर लेना, मतलब पता कर लेना सवाल में कि कौन e के x की बगल वाला फंक्शन है और कौन उसका डिफरेंशिएशन है। अगर मुझे ये पता चल गया तो मैं अगली लाइन में आंसर चिपका रहा होगा e की पावर x इंटू फंक्शन। क्वेश्चन से सीख लेते हैं, क्वेश्चन सिखा देगा। क्या आपको ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा e की पावर x के बगल में फंक्शन? तो मुझे पता कर लेना है कौन फंक्शन है और कौन उसका डिफरेंशिएशन है, तो log sin x को पकड़ते हैं। अच्छा, अगर एक वाले से दूसरा नहीं बनेगा तो फिर दूसरे वाले से वो चेक करेंगे, क्योंकि याद करके तो जाते नहीं अपन मैथ्स को, ठीक है। तो log sin x को पकड़ा और log sin x का मार दिया डिफरेंशिएशन। अगर इसका डिफरेंशिएशन मारोगे तो अगली लाइन में बोलेगा कि मैं पलट जाता हूं log का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x, और हर बच्चे को पता है कि cos x अपॉन में sin x दुनिया में cot x हो जाता है। अच्छा सर, मतलब log sin x है फंक्शन तो cot x है उसका डिफरेंशिएशन। मैंने पता कर लिया कौन है फंक्शन और कौन है उसका डिफरेंशिएशन। तो अगर मैंने पता कर लिया तो अगली लाइन में आंसर क्या लिख रहा हूंगा? आंसर लिख रहा हूंगा e की पावर x इंटू में फंक्शन, और फंक्शन कौन है अपना? log sin x। बस इतना सा तरीका है सर, हाँ इतना सा तरीका है। आ रही है कहानी समझ में आपको? तो बस आपको कहानी में e की पावर x में पता कर लेना है कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। कभी कभी ये चालाकी करेगा। कैसे चालाकी करेगा सर? कभी कभी चालाकी ऐसे करेगा कि आपको पता नहीं लगने देगा कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसे अगले लाइन में देख, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन का तरीका है, जैसा नीचे है वैसा एक बार ऊपर फोटो बनाओ, ठीक है। अगर अपन ने बनाया तो ये e की पावर x है, ठीक है सर। यहां पे नीचे दिया सर x प्लस में वन का होल स्क्वायर, मैंने चुपके से क्या किया, x को x प्लस वन कर दिया। अच्छा, और इसमें एक और माइनस वन भी करूंगा, क्योंकि बैलेंस करूंगा ना, अगर प्लस वन किया तो माइनस वन से बैलेंस करूंगा। हाँ सर बिल्कुल, ठीक है। तब तक क्या होगा कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लेके सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में e की पावर x, और यहां से हो गया x प्लस वन अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये तो लेके सेपरेट हो गया, ठीक है। और ये हो गया माइनस वन अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखना क्या एक से एक कैंसिल हो गया, ये लिखा है वन अपॉन में x प्लस वन, और 1 प्लस x अपॉन 1 अपॉन में x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, कहीं माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो नहीं होता है। तो कहानी में फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं दिया था, अच्छे सवालों में आपसे खुद से क्रिएट कराएगा। तो ऐसे सवालों का तरीका होगा ना, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे क्रिएट करो, ठीक है। मैं लिख दूं,
तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, सवाल में एग्जाम में पूछ सकते हैं, जितनी भी वैरायटी होती है उतनी मैं आपके सामने दिखा देता हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने वैरायटी, क्या ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दे, आपने पढ़ा ही नहीं है कि पावर एक्स वाला कॉन्सेप्ट, तो करके आ जाओगे क्या? नहीं, भले कितना भी क्वेश्चन कर लिए हो, कितना भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लियो, इसलिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखा देता हूं। अब इस पे बेस्ट जितने भी बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप तो प्रैक्टिस करोगे, वो तो मैं पूरा नहीं करा सकता ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या ये फंक्शन है? हाँ सर। और क्या ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है? तो पता तो यही करना था ना सर, हाँ। तो e की पावर x इनटू में फंक्शन, फंक्शन बोले तो 1/x + 1 था, तो बस मुझे पता करना है फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन। कई बार डायरेक्ट दे देगा, कई बार मुझसे खुद से क्रिएट करवाएगा। आ रही है कहानी समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या ये सेम ही क्वेश्चन ले लिया क्या? हाँ सेम ही क्वेश्चन है, तो इसको इग्नोर कर, नहीं सेम नहीं है, सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। x प्लस टू नीचे तो x प्लस टू ऊपर बनाऊंगा, जैसा नीचे वैसा ऊपर फोटो बनाऊंगा सर, ठीक है। तो अगर ऐसा फोटो बनाऊंगा तो ये तो e की पावर x दिखेगा, लेकिन इसको मैं सर x प्लस टू का होल स्क्वायर नीचे है तो मैं ऊपर भी ऐसा ही फोटो बनाऊंगा। मैं ऐसा बनाने के लिए प्लस वन में एक और प्लस वन दे दूंगा ताकि x प्लस टू हो जाए, ठीक। अच्छा अपने घर से लगाया ना तो माइनस वन की उधारी भी चुकता करूंगा। आ रही है कहानी समझ में? अब करूंगा सेपरेट, क्या x प्लस टू लिख दूं इसको? क्योंकि x प्लस टू जैसा ही बनाना था ना, तो एक जोड़ के x प्लस टू ही बनाया, तो इसको सेपरेट कर दिया सर e की पावर x, और इसको बोला कि बेटा तुम x प्लस टू हो जाओ ताकि नीचे वाले से कैंसिल हो जाओ, तो ये हो गया x प्लस टू का होल स्क्वायर, मैंने सेपरेट कर दिया। माइनस में ये चलेगा 1/ में x प्लस टू का होल स्क्वायर। कितने लोग इसके बाद सवाल कर लेंगे, क्या ये एक से एक मर जाएगा, क्या ये फंक्शन हो जाएगा, और क्या ये उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा? तो आंसर इसका क्या चिपका दोगे, e की पावर x इनटू में फंक्शन, और फंक्शन आज के दिन है x प्लस टू, सॉरी 1/ में x प्लस टू, ठीक है। एक सेकेंड, 1/ में x प्लस टू। आई कहानी समझ में? अब ऐसे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कितने लोगों को पता है कि मैंने सिखाया है क्या log x के क्वेश्चन में log x को t मानना? सिखाया कि नहीं सिखाया log x के क्वेश्चन में? log के क्वेश्चन में हमेशा log को अपन t मानेंगे। अब अपन आइलेट रूल जब पढ़ लेंगे ना आगे U.V, तो उसमें लॉग का थोड़ा अलग तरीका होता है। बस ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आइलेट रूल ना लगता हो, मतलब दो चीजें प्रोडक्ट में ना हो, अभी सीखोगे, इसी लेक्चर में सिखाएंगे हम आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, लॉग एक्स को टी बोलते हैं। तो लॉग एक्स को गया टी बोलने, तब तक लॉग एक्स के बगल में वन ने बोला कि मुझे भी टी में शामिल कर लो क्योंकि मेरा डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है। तो बच्चे ने लॉग एक्स को नहीं, वन प्लस लॉग एक्स को ही टी बोल दिया, क्योंकि वन तो लग सकता है ना, इसका डिफरेंशिएशन अगली लाइन में जीरो हो जाएगा। तो लॉग एक्स का टी मतलब सर log x का डिफरेंसेस, अच्छा एक मिनट, log x को कितने लोग बता देंगे, ये लिखा है x is equal to e की पावर t, ये क्यों किया सर? अभी आपको पता चलेगा। तो x का डिफरेंसेशन क्या हो रहा होगा सर, x का डिफरेंसेशन dx और e की पावर t का डिफरेंसेशन e की पावर t, ठीक है, e की पावर t into dt, ठीक। अब मैं रिप्लेस करूंगा, अगर मैं रिप्लेस करने जाऊंगा तो log x को तो t बोलूंगा, dx की जगह मैं चिपकाऊंगा e की पावर t into में dt, अच्छा। और नीचे से क्या है, नीचे से है आपका 1 प्लस में t का होल स्क्वायर। ऐसा फील मुझे इसलिए आया क्योंकि मैंने देखा ये t है तो ये 1 प्लस में t का होल स्क्वायर है। अरे 1 प्लस log x को अगर t बोल दोगे तो ऊपर वाला log x अपने आप बदल जाएगा e की पावर। अगर मैं ऐसा नहीं भी करता ना, अगली लाइन में log x को लिखता 1/ में x, अरे करके देख लो, इसको मैं लिखता, क्योंकि बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ख्याल कैसे आ गया x is equal to e की पावर t लिखूं, हर बार तो आप अगली लाइन में डिफरेंशिएशन मारते थे ना, तो अगर मारते तो log x को लिखते 1/ में x is equal to t का dt लिखते। अब 1/ x है ही का, सोचो 1/ x है तो dt किसकी जगह रिप्लेस करोगे, इसीलिए अपन ने x में खेला, इसलिए अपन ने x में खेला। 1/ x is equal to dt लिखते ना, 1/ x है ही का, तो dt किसको रिप्लेस करते, इसीलिए x is equal to e की पावर t लिखती। आ रही है कहानी समझ में? और क्या ये क्वेश्चन कर लोगे, अरे अभी अभी ऐसा क्वेश्चन कराया ना, जैसा नीचे e की पावर x देखा, जैसा नीचे वैसा ही ऊपर क्रिएट करेंगे। आई कहानी समझ में? अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, log x के क्वेश्चन में log x को t बोलेंगे, अच्छा एक मिनट सर, बट ये e की पावर x टाइप क्वेश्चन है, e की पावर x में तो एक ही काम करना होता है, सर ने सिखाया है फंक्शन ढूंढो और उसका डिफरेंशिएशन ढूंढो। मैक्सिमम क्वेश्चन में ln x ही फंक्शन होता है, ठीक है। तो ln x को अगर फंक्शन बोला तो ln x का डिफरेंशिएशन होता है सर जी 1/x, सर 1/x तो है ही नहीं, तो मैंने बोला ना अगर कल को क्वेश्चन वाला चालाकी करेगा, फंक्शन देके उसका डिफरेंशिएशन छुपा देगा तो खुद से क्रिएट, अभी तक तो वही करते आ रहे थे ना, जैसा नीचे वैसा ही ऊपर, इसलिए बना रहे थे ना ताकि डिफरेंशिएशन मुझे दिख जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही करेंगे सर, हाँ e की पावर x लिखेंगे, ln x का डिफरेंशिएशन दिया नहीं था 1/x, तो खुद से अपने घर से लगा देंगे 1/x,
आई कहानी समझ में, फिर माइनस वन अपॉन एक्स उधारी भी चुकता कर देंगे। आर ये कहानी समझ में, प्लस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो उसने ही दिया था, उसको लगा दिया। कितने लोग को दिख गया कि ln x प्लस वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कहीं माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स तो नहीं होता है, ठीक है? अरे ln x का वन अपॉन एक्स, और इसको अगर ब्रैकेट में ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा ना। अरे इसको ब्रैकेट में अगर बंद कर दोगे तो ये प्लस थोड़ी रह जाएगा, तो माइनस रह जाएगा। तो ln x का डिफरेंशिएशन ये हो गया वन अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का क्या हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये अगर f है ना तो ये उसका डैश है। तो क्या सीखे, सीखे ये कि अगर फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन नहीं दिया है तो खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। मैं लिमिट चैप्टर से ही सिखाते आ रहा हूं आपको कि अगर कोई भी चीज मैथ्स में नहीं दी होती है ना तो अपन खुद से क्रिएट करते हैं और फिर उसको बैलेंस करते हैं। लिमिट चैप्टर से ही सिखाते आ रहा हूं। आ रही है कहानी समझ में? ये जो अभी कॉन्सेप्ट लगाया जैसा नीचे वैसा ही ऊपर, वो क्यों किया? ताकि फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सको, और वो हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x इनटू में फंक्शन, दैट इज है आपका ln x प्लस में 1 अपॉन x। तो क्या ऐसे सवाल कर लोगे, e की पावर x वाला सवाल कर लोगे? बिल्कुल सर, ऐसे क्वेश्चन से बात करते हैं। ये क्वेश्चन आप करोगे, मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूं, कमेंट सेक्शन बता देना कि हो पाया है नहीं आपसे। कभी भी e की पावर x, मुझे e की पावर x देखने की आदत है। सवाल वाले ने e की पावर tan इनवर्स x दे दिया, मेरे x को उसने tan इनवर्स x बोल दिया, तो मैं भी तो चालाक हूं ना, मैं अगली लाइन में जाकर बोलूंगा कि ये tan इनवर्स x को तुमने मेरे x की जगह चिपकाया है, तो मैं इसको t बोल दूंगा। अरे t x सब बराबर ही होते हैं ना, तो उसने चालाकी किया, क्या मेरे x को हटा दिया और अपने घर से tan इनवर्स x लगा दिया। देखो तो मैं भी तो चालाक हूं ना, मैं क्या करूंगा, उसके tan इनवर्स x को हटा दूंगा और उसकी जगह बोल दूंगा कि tan इनवर्स x तुम t हो, क्योंकि मेरे t की जगह ही तुम बैठे थे, ठीक है? तो इसलिए मैंने लिखा कि कभी भी e की पावर x में x की जगह जो भी होगा उसे मैं t मान लूंगा। tan इनवर्स x को t मान के क्वेश्चन सॉल्व करना, क्या अगली लाइन में इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में, सुनना 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर तो नहीं होता है, होता है तो ये dt बनेगा। बट सर dt तो नीचे बन रहा है, मुझे dt ऊपर बनाना होता है। तो तुरंत मुझे समझ में आ गया कि dt नीचे बन रहा है, तो उल्टा खेलो, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t है तो अगली लाइन में जाओ और बोल दो x इज इक्वल टू tan t। क्यों ऐसा किया? क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर होता है, और 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर दिया तो है बट आपको ऊपर 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर भी दिया है, तो उसकी जगह भी आपको चिपकाना पड़ेगा, इसलिए मैंने x इज इक्वल टू tan t बोल दिया। आ रही कहानी समझ में? अब अगली लाइन में मैं क्या कर रहा हूं, e की पावर tan इनवर्स x को बोलूंगा तुम तो e की पावर t हो, अच्छा सर, और ये x इज इक्वल टू क्या आए थे tan t, तो इसको लिखूंगा मैं 1 प्लस में tan t, क्यों मुझे x की वैल्यू चाहिए थी ना, इसीलिए x इज इक्वल टू tan t लिख दिया, ठीक, प्लस में x स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर t, अच्छा सर ठीक है tan स्क्वायर t, अपॉन में नीचे क्या चल रही होगी, नीचे तो आपको 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर दिखा, वो तो dt बन जाएगा। अरे क्योंकि अगर यहां से अपन कहां गया एक सेकंड इसको, हाँ अगर यहां से खेले तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, और ये तो dt हो चुका है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर को हटाएंगे और वो तो अपना dt हो चुका है। अब बस अपन को e की पावर x के बगल में फंक्शन ढूंढना है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन ढूंढना है। क्या कितने लोग को दिख गया कि 1 प्लस tan स्क्वायर t sec स्क्वायर t होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर t sec स्क्वायर t होगा, और tan t है तो tan t बन जाएगा फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t। तो इसका आंसर क्या मैं यहां पे लिख दूं, क्या क्या लिखोगे सर, क्या लिखोगे, e की पावर t इनटू में फंक्शन, और फंक्शन क्या होगा आपको tan t। आया कहानी समझ में? फिर t को रिप्लेस भी करेंगे सर, हाँ। तो समझ में आया आपको? तो e की पावर x मैंने तीन तरीके से पढ़ा दिया, कैसा, एक तो डायरेक्ट आपको देगा फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सिंपल सवाल, ठीक है? दूसरा क्या करेगा, दूसरा करेगा आपको जैसा नीचे होगा वैसा ही ऊपर बनाना है, ये सवाल, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर बनाना है। तीसरा लॉग का क्वेश्चन देगा, उसमें लॉग एक्स वाली पार्टी को टी बोलना है, ठीक है? और तीसरा टाइप क्या रख सकता है कि e की पावर x मेरे x को वो हटाकर कोई और फंक्शन दे दे, जरूर tan इनवर्स x देगा, कुछ भी दे सकता है, तो मैं उस x को जो उसने रखा है उसको मैं वापस से t बोल दूंगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आया? तो e की पावर x के तीन वैरायटी हमेशा याद रखना। मूव करते हैं अपने नए टॉपिक पे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इंटीग्रेशन का, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आईबीपी। पार्ट्स मतलब कि इसको अपन पार्ट वाइज इंटीग्रेट करते हैं। u डॉट विरोध,
U.V में बहुत अच्छे से सीखना, फॉर्मूला बहुत कंफ्यूज होता है, मैं आपको याद करा देता हूं। मैं जो डायलॉग बोलूंगा और जो लिख भी दिया हूं और जो डायलॉग बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। जब अपन सर रिकैप करते हैं, थोड़ा अपने माइंड को बैक ले जाते हैं, थोड़ा माइंड को बैक ले आते हैं। U.V डिफरेंशिएशन के टाइम में क्या पढ़ा था, पहले वाले को डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले साइलेंट, फिर प्लस में दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहला वाला साइलेंट। एक बच्चे ने बोला कि सर इसमें अगर मेरा दिमाग घूम गया, मैंने दूसरे वाले को ही पहली बार में डिफरेंशिएट मार दी और पहले वाले को साइलेंट बोला, कहानी तब भी सही होती थी, बट इसमें कहानी फिक्स होगी। कैसे कहानी फिक्स होगी, कि आपको जब भी इंटीग्रेशन में U.V दिखेगा, मतलब दो चीजें मल्टीप्लाई में दिखेगी, तो आपको हमेशा पहले वाले को ही साइलेंट रखना है, मतलब हमेशा यू को ही साइलेंट रखना है, ठीक है। हमेशा यू को साइलेंट रखना है और भी का इंटीग्रेशन करना है, मतलब इसमें सर फिक्स है। हाँ इसमें फिक्स है, डिफरेंशिएशन के टाइम में कोई भी यू हो कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता था, बट इसमें यू और भी फिक्स होगा, तो सर यू और भी मानने का कोई नियम भी होगा। हाँ अगले लाइन में सिखेंगे हाउ टू जज यू एंड वी बाय आइलेट रूल। सबसे पहले फॉर्मूला तो याद कर ले, हाँ तो सिखा रहा हूं सीखना, पहले वाले को साइलेंट, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, मेरे साथ साथ बोलना, पहले वाले का डिफरेंशिएट, सॉरी पहले वाले को साइलेंट, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, माइनस में जिसको रखा साइलेंट उसका होगा डिफरेंशिएशन। देखो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर, जो साइलेंट उसका डिफरेंशिएशन, इनटू में जो यहां पे आएगा उसको एज इट इज चिपका देना है यहां पे। एक बार फिर से बोलना, यू को साइलेंट, भी का इंटीग्रेशन, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर जिसको साइलेंट रखा था, जिस बेचारे को साइलेंट रखा था, अब की बार उसको पकड़ो और उसका डिफरेंशिएशन मार दो, ठीक है। इनटू में जो इंटीग्रेशन करने के बाद आया ना उसको एज इट इज फिर से चिपका देना है यहां पे, यहां पे। आई कहानी समझ में, तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलिए अब पता करते हैं कैसे यू आर वी जज करेंगे, तो उसके लिए एक नियम बना है आइलेट रूल। आइलेट रूल, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। यू आर वी में पहले कौन आता है, जिसको ABCD जिन्होंने बचपन में पढ़ा हो उनको पता है कि यू पहले आता है। तो कहानी में भी कुछ इस प्रकार से नियम दिया गया कि जो भी पहले आएगा ना वो यू बनेगा। जैसे सर मान जी कल को क्वेश्चन में दिया है एक इनवर्स फंक्शन, ठीक है, एक इनवर्स फंक्शन दिया और एक ट्रिगो फंक्शन दिया, ठीक है, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई में है? हाँ सर। तो U.V रूल लगेगा, हाँ U.V रूल लगेगा। तो सर इनवर्स इनटू ट्रिगो है, तो किसको यू बोलूं, पहले कौन आ रहा है आइलेट रूल में, आइलेट, क्या आपको आई पहले आ रहा है, इनवर्स पहले आ रहा है, अरे इनवर्स आई पहले आ रहा है ना, तो जो पहले आएगा चूंकि यू आर वी में पहले यू आता है इसलिए अपन इसको यू बोल रहे होंगे और इसको भी बोल रहे होंगे। आई कहानी समझ में। फिर अगले लाइन में क्या करेंगे, यू को साइलेंट, बोलना मेरे साथ, यू को साइलेंट, वी का इंटीग्रेशन, माइनस में जिसको रखा साइलेंट उसका मारेंगे डिफरेंशिएशन, इनटू में जो इंटीग्रेशन के बाद आया उसको एज इट इज वहां पे चिपका देंगे। पूरी कहानी समझ में आई U.V की, आपको कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद करने में किसी जिंदगी में भूलोगे नहीं, याद नहीं करना इसको, डायलॉग से याद रखने मेरे, ठीक है। चले मूव करेंगे, क्वेश्चन सिखाएगा, कई बार क्या होगा आइलेट रूल फेल हो जाएगा। सर ऐसा नियम थोड़ी है कि हमेशा इनवर्स, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल यही सब फंक्शन देगा, कहीं कुछ मार्केट से बाहर वाला फंक्शन आ गया जो आइलेट में है नहीं, तब क्या करेंगे। तो अगर आइलेट रूल फेल हो गया ना तो थोड़ा ध्यान से देखना इंटीग्रेशन में हर बार भी जा रहा है कि नहीं जा रहा। अरे यू तो बेचारा अपना डिफरेंशिएशन कराने के बाद इंटीग्रेशन में एंट्री ले रहा है ना, ठीक है। तो पहली बार इंटीग्रेशन का सजा किसको मिल रहा है, भी को। तो अगर सोचो इंटीग्रेशन इसका मुश्किल होगा तो काम नहीं बन पाएगा ना, तो हमेशा अपन उस फंक्शन को भी मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन पता हो। अगर दोनों का पता हो तो सर किसी को मान लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखना, क्या fx का इंटीग्रेशन आपको पता है, नहीं। क्या g'x का इंटीग्रेशन पता है, हाँ। gx का डिफरेंशिएशन g'x, तो इंटीग्रेशन gx। तो इस बेचारे का मुझे पता था इंटीग्रेशन, मुझे पता है कि इंटीग्रेशन के कटघरे में भी जाता है, अरे भी जाता है, यू तो साइलेंट रहता है ना, तो इसको बोलूंगा भी और ये बेचारा अपने आप बन जाएगा यू। आई कहानी समझ में। तो जिंदगी के अंदर कभी भी आइलेट रूल फेल होगा तो अपन क्या करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन पता होगा उसको भी बोलेंगे और जिसका नहीं पता होगा इसको यू बोलेंगे। याद कैसे रखेंगे सर, अरे याद ऐसे रखेंगे कि भी ही जा रहा है ना इंटीग्रेशन में, तो अगर इंटीग्रेशन में भी जा रहा है तो जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता होगा उसको भी बोलूंगा। आई कहानी समझ में। सिंपल क्वेश्चन से सीख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा कभी भी इनवर्स का फंक्शन दिखे, लॉग का फंक्शन दिखे, तो दूसरी पार्टी हमेशा वन होती है, इनटू वन। क्या आपको पता है वन की मल्टीप्लाई मेरे में भी कर दोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आदित्य सर इनटू वन कर दोगे, आदित्य सर ही रहेंगे,
आ रही कहानी समझ में? तो अगर किसी में वन की मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो इनवर्स के क्वेश्चन में और लॉग के क्वेश्चन में वन को दूसरा फंक्शन ले सकते हो। तो वही लिखा हुआ है, इन क्वेश्चन ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड लॉग फंक्शन वी टेक वन एज अ भी, भी लोगे, ठीक है, मतलब दूसरा फंक्शन भी इसको ले लोगे, और इसका इंटीग्रेशन कितना आसान है, वन का एक्स, इसलिए इसको बोला भी मानना, ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन सिखा देगा आपको एक्स इंटू साइन एक्स, सबसे बेसिक क्वेश्चन उठाया है, इसको करते हैं। मेरे डायलॉग के साथ करना है, फॉर्मूला को इग्नोर करना है, पढ़ा भूल गया मेरा डायलॉग, क्या डायलॉग था, सबसे पहले यू भी पता करो, आइलेट रूल, आई इनवर्स, एल लॉग, ए अलजेब्रा, तो कहीं अलजेब्रा यही तो नहीं है, हाँ सर, तो इसको बोलोगे यू और ये बेचारा बन जाएगा भी, आइलेट रूल से यू भी बोलते हैं, क्योंकि आइलेट रूल लग रहा था यहाँ पे, ठीक है। अपन क्या बोलते हैं अलजेब्रा को, आई एल ए, तो अलजेब्रा पहले आया ना ट्रिगो से, तो अलजेब्रा को बोला यू और ट्रिगो बन गया अपने आप भी। अरे कहानी समझ में? अब सीखे थे कि U को साइलेंट रखेंगे X को, ठीक है। एक बच्चे ने बोला सर X का इंटीग्रेशन तो आसान था, नहीं आइलेट रूल लग रहा है ना तो लगाएंगे, फेल होगा तब वो वाला नियम, जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, जब फेल नहीं हो रहा तो आइलेट रूल, ठीक है। इंटीग्रेशन में साइन एक्स जाएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दोगे क्या, कॉस एक्स या माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, अरे अंत सी से हो रहा है ना नाम का, इसी जगहों के लिए, बड़े क्वेश्चन के लिए तो आपको सिखाया था ना, ताकि फॉर्मूला में कंफ्यूज ना हो, टाइम बचेगा आपका, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो, कॉस एक्स माइनस कॉस, एक मिनट सोचने में ही लगाएंगे, इसीलिए अपन को कंफ्यूजन नहीं रहना, क्योंकि पेपर में बार बार बोलता हूं, एक ही दिन में आपको फिजिक्स भी देखना है, केमिस्ट्री भी देखना है, मैथ भी देखना है, जितना दो साल में पढ़ा था ना उतना एक दिन आपको पूरे दिमाग में भर के जाना है, तो कंफ्यूजन बनेगा, इसीलिए फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन में रखता हूं, आपको कहानियों से सिखा देता हूं, आ रहा है। तो प्लीज पसंद आ रहा हो तो लाइक तो कर दोगे ना, हाँ, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी पहुंचना चाहिए ये कंटेंट, ठीक है। अच्छा, माइनस के अंदर फिर सिखाया था इंटीग्रेशन में, जिस बेचारे को साइलेंट रखा, आपकी बार बोलो हर बार साइलेंट ही रहोगे क्या, नहीं ना, तो डिफरेंशिएशन कराओ अपना, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है सर, इंटीग्रेशन मत करो वन। और फिर सिखाया जिसका इंटीग्रेशन हुआ उसको एज इट इज यहां पे चिपका दो, माइनस कॉस एक्स था ना तो माइनस कॉस एक्स यहां पे चिपका दिया, ठीक। अगली लाइन में मुझे पता चला ये तो है माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये यहां से माइनस और माइनस प्लस हो गया, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सर साइन एक्स होता है, नाम का सी से है नहीं इसलिए माइनस लगाऊंगा नहीं, प्लस में सी लगाना नहीं बोलूंगा। ये आई क्या, आई फॉर होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये जब भी यू डॉट वी रूल हो ना आप आई इज इक्वल टू में लेकर ही खेला करो, ठीक है, आई इज इक्वल टू लेकर ही खेला करो, ये बहुत काम में आएगा आपको डेफिनेट के टाइम में, डेफिनेट में हर क्वेश्चन आई इज इक्वल टू लेकर खेलना होता है। आ रही है, मूव करो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता देता हूं यार, तभी तो मजा आएगा ना मेरे लेक्चर में, सक्सेसिव इंटीग्रेशन, ठीक है। कई बार आपको जब भी सवाल में अलजेब्रा इंटू ट्रिगो या अलजेब्रा इंटू एक्सपोनेंशियल, मतलब एक पार्टी अलजेब्रा वाली, अलजेब्रा के बगल में अगर ट्रिगो दिख गया या अलजेब्रा के बगल में एक्सपोनेंशियल दिख गया, तो या तो यू डॉट वी से खेलो या फिर मेरा वाला तरीका फॉलो करो। क्या तरीका सर? यू भी पता कर लो यार, आगे यू भी में क्या यू बनेगा, क्या आपको पता है, आई लेट, ठीक है, ए पहले आ गया ना तो ए को बोलेंगे यू, एक्सपोनेंशियल बनेगा बेचारा भी, ठीक। क्या लिखा है, यू को साइलेंट रखो, एक्स स्क्वायर को रखा साइलेंट, ठीक है। भी का इंटीग्रेशन जो कि करते आ रहे, तो एक ही बार एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, यहां प्लस है तो यहां माइनस रखेंगे, ठीक है। फिर बोला जिसको साइलेंट रखा ना उसका डिफरेंशिएशन करते रहना है जब तक जीरो ना आ जाए, तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, हाँ सर। और फिर जिसका इंटीग्रेशन किया वो होता रहेगा इंटीग्रेशन में, क्या 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 बोला, क्या बोला सर, जो साइलेंट रखा उसका डिफरेंशिएशन होते रहेगा जब तक जीरो ना हो जाए, पर जिसको इंटीग्रेशन किया वो इंटीग्रेशन होता रहेगा जब तक जीरो ना हो जाए। इंटीग्रेशन तो जीरो नहीं होता, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, ठीक है। करते हैं, तो e की पावर x बेचारा का तो e की पावर x ही होता है, माइनस है तो यहां प्लस होगा, प्लस माइनस से अल्टरनेट साइन चलेगा। 2x का डिफरेंशिएशन, जिसका किया डिफरेंशिएशन उसका होता रहेगा डिफरेंशिएशन, जिसका किया इंटीग्रेशन उसका होता रहेगा इंटीग्रेशन, डायलॉग याद रखना, ठीक है। 2x का 2 और e की पावर x बेचारे का तो e की पावर x ही होता है, प्लस माइनस कितने लोग बता देंगे कि अगली बार 2 डिफरेंशिएशन में जाएगा तो जीरो करके आएगा, तो रुक जाएंगे प्लस सी लगा के। आई कहानी समझ में? तो इट इज सक्सेसिव इंटीग्रेशन जो आपको समझना पड़ेगा, बहुत इजी होता है, बहुत बार काम आपका इजीली बना देता है। तो अगर इसमें यू डॉट वी करोगे तो बार बार करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। डब्ल्यू बी सही देने जा रहा हूं, तो शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए, मैंने बोला था आपको जितना ज्यादा शॉर्ट ट्रिक कलेक्ट कर सकते हो टाइम बचाएगा आपका, डब्ल्यू बी सही के अंदर बहुत काम में आएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्स इंटू से सिखाया हो सर क्या, जब भी ट्रिगो का क्वेश्चन हो साइन कॉस में खेला करो, मुझे याद नहीं है, आपको भी याद नहीं करना, सेक टू एक्स देखा मैं, सेक टू एक्स को नहीं पहचानता,
मैं ट्रिगो में दो ही लोग को पहचानता हूं, किसको, साइन एक्स को और कॉस एक्स को। अगली लाइन में बच्चे ने लिखा एक्स इंटू में सेक टू एक्स को क्या लिखोगे, वन अपॉन में कॉस टू एक्स माइनस वन। अब बार बार नहीं करना, वन अपॉन में कॉस टू एक्स माइनस वन, वन माइनस में कॉस टू एक्स, वन माइनस में कॉस टू एक्स ऊपर लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं सर। अच्छा इसको लिख दूं वन प्लस में कॉस टू एक्स कोई दिक्कत तो नहीं होगा, सोच जाना, सोच गए, अच्छा सर x इंटू में तब तक इसको सोच जाना वन माइनस में कॉस टू एक्स, कॉस में से कुछ घटता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाहर आता है। सिखाया था वो चार फॉर्मूला जो मुझे पहले से ही देखते आ रहे लिमिट चैप्टर से, वो तो खटाक से बोलेंगे वन माइनस कॉस टू एक्स, कॉस में से कुछ घटता है तो कॉस कमजोर होके बाहर फेंकता है साइन को टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है सर। अच्छा और फिर वन प्लस कॉस टू एक्स, सर कॉस में कुछ जुड़ता है तो कॉस मजबूत होके और टू कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर फेंकता है, ठीक है। कितने लोग बता देंगे, टू टू तो दुनिया में आएंगे कटने के लिए, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अगली लाइन में मैं लिखूंगा इसको एक्स इंटू में टेन स्क्वायर एक्स का, ये यू डॉट वी रूल है। हाँ सर ये यू डॉट वी रूल है, यू डॉट वी में यू किसको बोलोगे, आईलेट। अरे आईलेट को दुनिया में लाएंगे, और आईलेट को दुनिया में लाते हुए अलजेब्रा को बोल देंगे यू बेचारा बन जाओ, क्यों, क्योंकि तुम पहले आते हो, मेरी क्या गलती, पहले आओगे तो यू बोलूंगा, अच्छा, और टेन स्क्वायर एक्स को मैं भी बोलूंगा, ठीक है। क्या ये अलजेब्रा इंटू ट्रिगो है, हाँ अलजेब्रा इंटू ट्रिगो इंटू अलजेब्रा इंटू एक्सपोनेंशियल देख के लिए तो एक मिनट के लिए मैं खुश होऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरा फंडा काम करेगा, सक्सेसिव इंटीग्रेशन, यू को साइलेंट, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर, तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो सर आता ही नहीं है, मैं हमेशा टेन स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स नहीं रहने देता, मुझे सेक स्क्वायर एक्स का पता है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, तो सबसे पहले तो यू डॉट वी मानने से पहले ना सर आप टेन स्क्वायर एक्स की फोटो बदलो, क्यों, क्योंकि मुझे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, तो मैं एक्स इंटू में इसको लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस में वन, ठीक है। अच्छा तब तक ये फिर इसे मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर एक्स, अब मैं सेपरेट कर दूंगा, क्या इसको सक्सेसिव इंटीग्रेशन, ठीक है कर लोगे, एक्स को साइलेंट, फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, टेन एक्स, ठीक है, माइनस में फिर एक्स का वन, और फिर tan x का सिखाया था ln के अंदर, क्या ln sec x, अरे कहानी समझ में, कर लोगे सक्सेसिव इंटीग्रेशन, और माइनस x का x स्क्वायर बाई टू, ये दिख रहा है या नहीं आपको, मैं थोड़ा कंफर्म हो जाऊं, थोड़ा मैं हट जाता हूं, साइड हो जाता हूं, दिख गया आपको, ठीक है। नीचे नोट्स भी मिल जाता है, ये मैं सोचो कि दिख नहीं रहा है कुछ चीजें, तो नीचे नोट्स भी मिल जाती है, आप उसको डाउनलोड कर लो और आगे रख लो और फिर उसको पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा वो चीजें, ठीक है। और क्वेश्चन जब भी मैं कराता हूं पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर वीडियो देखो, मजा आएगा और आपको पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हो, आगे एक बार अटेम्प्ट कर लो, देखो कि मुझसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, फिर क्या मिस्टेक हो रहा है ये भी देखना, मजा आता है इससे मुझे, ठीक है। अच्छा अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं सर, अब ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए सोचना, मैं इसको कराता हूँ थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है। मैंने एक और टॉपिक पढ़ाया था आपको, वन प्लस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप क्वेश्चन पढ़ाया था ना, अरे वन प्लस में जहां सोचते थे अपन कि ऊपर वाले से सवाल पूछते थे, याद होगा पिछले लेक्चर में ऊपर वाले से सवाल पूछते थे कि तुम किसका डिफरेंशिएशन हो, वो जवाब देता था, फिर वैसा ही फोटो नीचे बनाते थे। थोड़ा ध्यान से देखना, अगर x की पावर 4 से अपन x स्क्वायर खींच लेते हैं, सॉरी x खींच लेते हैं रूट के अंदर जाके तो वो x स्क्वायर बन जाएगा, तो x स्क्वायर की डिवाइड x स्क्वायर से लगेगी 1 बन जाएगा, और x स्क्वायर की डिवाइड 1 से लगते ही 1 अपॉन में x स्क्वायर बन जाएगा, तो फोटो मेरा 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसलिए मैं वैसे करके एक बार खेलने का ट्राई करता हूं, होगा तो ठीक है, नहीं तो रास्ता चेंज करूंगा, फिर कोई और दिमाग लगाऊंगा, ऐसे ही करते हैं अपन मैथ्स में, आगे मुझे जो दिख रहा है क्लिक कर रहा है पहली लाइन में आगे वैसे खेलूंगा, ठीक है, और अगर मेरा गेम खराब होता है तो फिर मैं दूसरा तरीका लगाऊंगा, ठीक है। फिर सिखाया था एलएन के क्वेश्चन में एलएन को टी मानना, तो वैसे भी खेलूंगा क्योंकि मुझे याद करके तो कुछ जाना नहीं होता है, इंटीग्रेशन में आगे जो दिमाग में है वो खेलता हूं, एक्स से बोला है एक एक्स दे दो, ठीक है, इसने एक एक्स दिया, वो रूट के अंदर जाके एक्स स्क्वायर बना और इसकी डिवाइड लगी तो वे लिख गया ऐसा, आया कहानी में समझ में। अच्छा एलएन यहां से चल रहा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन, और माइनस में तब तक ये टू बेचारा सबको एक्स स्क्वायर देख के ना ये भी अपने आप को एक्स स्क्वायर कर लिया, इनटू में वन अपॉन एक्स क्यूब डीएक्स यहां पे चल ही रहा है, ठीक है। अब आपको पता है एलएन के अंदर चीजें माइनस में नहीं होती, जब भी माइनस में होती है अपन डिवाइड में मार देते हैं, तो ये लिखा है वन प्लस में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एलएन एक्स स्क्वायर प्लस में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां से आपका चल रहा है इंटू में वन अपॉन में एक्स क्यूब, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं जी, आ रहा है आपको समझ में। अच्छा अब नेक्स्ट लाइन में आपको पता है ये भी ऐसा ही बन गया वन प्लस में एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन में रूट के अंदर वन प्लस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर हर जगह छाया हुआ नजर आएगा, और इधर भी हो जाएगा एलएन, और क्या हो गया भैया वन प्लस में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर,
ठीक है, और यहां से आपका 1/x³ बेचारा तो है dx के साथ। आ रही आपको कहानी समझ में? अब मुझे सर वन हर जगह वन प्लस में 1/x² दिख रहा है, तो एक काम करूंगा कोने में जाऊंगा और इसको बोल दूंगा टी बन जाओ बेटा, क्यों? क्योंकि हर जगह दिख रहा हो ना, तो मैं कोना में गया और 1+1/x² को कॉर्नर साइड में बोल दिया कि तुम टी बोल जाओ। बच्चे ने बोला सर टी मत बोलो, क्यों? रूट के अंदर वाली चीजों को आप टी स्क्वायर बोलते हो ना, हाँ तो टी स्क्वायर बोल दो। मैंने टी स्क्वायर बोल दिया, बट ये एल एन के बगल में टी स्क्वायर आ जाएगा, एल एन के बगल में टी स्क्वायर 2LNT कोई दिक्कत नहीं है, मान सकता हूं, ठीक है। अच्छा, 1/1 का तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, 1/x² का -1/x³ हो जाता है सर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर है इसलिए मैं यहां पे 2 भी लगा देता हूं, -2/x³ इज इक्वल टू यहां से हो गया 2t dt। अरे ये कहानी समझ में? 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब मैं करूंगा सब्स्टिट्यूट। क्या ये रूट के अंदर सिर्फ t दिखेगा? अरे टी स्क्वायर आते हैं खुले में, टी हो जाएगा, इंटू में ln के अंदर यहां पे 1+1/x² टी स्क्वायर होगा, तो यहां पे मैं 2LNT लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, 1/x³ dx बेचारा dt हो चुका होगा, वो भी माइनस का, तो आपको ये सिंपल सी लाइन में दिख रही होगी 2 माइनस का और टी इंटू में ln t, ठीक है, इंटू में dt। यू डॉट वी तो नहीं लगेगा सर? हाँ यू डॉट वी लगेगा, कैसे सर? अरे यू किसको बोलोगे? आईलेट रूल, IL तो पहले आ जाता है ना, तो एल को बोलोगे यू और टी को बोल रहे होगे भी। क्या कर लोगे इसके बाद? कर देता हूं, ठीक है, कर देता हूं, माइनस का 2। अब सिखाया है, क्या सिखाया यहां पे, कहां गया, एक सेकंड, ये पीछे रह गया, ठीक है। तो यू को क्या रखते हैं? साइलेंट, तो तरीका लगाते हैं यू को साइलेंट, ln t को साइलेंट, ठीक है। भी का होगा इंटीग्रेशन, तो भी इंटीग्रेशन में t² / 2 दिखता है, माइनस में जिसको रखा साइलेंट उसको पकड़ो, अगली बार में मारो डिफरेंशिएशन 1/t होके बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर जो यहां पे आएगा इंटीग्रेशन के बाद उसको एज इट इज यहां पे चिपकाएंगे, दैट इज t² / 2 चिपकाएंगे, प्लस में c भी लगा देंगे, ठीक। अब तो कर लोगे ना, कर ही देता हूं, -2 यहां पे दिखेगा आपको ln t इंटू में t² / 2, तब तक एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर निकल जाएगा और t का इंटीग्रेशन t² / 2 हो जाएगा। क्या आया आपको कहानी समझ में? ये इंटीग्रेशन नहीं है, सॉरी ब्रैकेट था, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, फिर टी को सब्स्टिट्यूट आप खुद से कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था या नहीं मानते हो, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने पूरा दिमाग लगाया कि 1+1/x² बनाने का, क्योंकि यहां भी बन रहा था और एक्स स्क्वायर देने से यहां भी बन रहा था, तो ये चीज आपको क्लिक करनी चाहिए, कर गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं की तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाना स्किप करके, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन से बात करते हैं सर, ना इनवर्स है, ना लॉग है, ना अलजेब्रा है, ना ट्रिगो है, मेरा तो आईलेट रूल ही फेल हो जा रहा है। तो सर ने सिखाया था ना आपको, ध्यान से सुने होगे, तो क्या आईलेट जब भी फेल हो जाए अपन उसको भी बोल के आते हैं ना जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता हो, क्या g" अच्छा सबसे पहले तो उसको सेपरेट कर देते हैं, इस कहानी को सेपरेट कर, तो यहां पे दो इंटीग्रेशन को कंबाइन कर दिया, क्या ये f(x)g" है? हां सर। माइनस में क्या ये इंटीग्रेशन में g(x)f" है? हां सर, ठीक है। किसको भी बोल रहे होगे सोचो, क्या इसका इंटीग्रेशन पता है? हाँ, तो ये भी, ये u, कैसे पता सर? अरे g" का g" s इंटीग्रेशन के बाद, अरे g' का x g" x होता है, तो उसका इंटीग्रेशन g' x होगा ना, इसमें ये बनेगा भी और ये पार्टी अपने आप को बोलेगी u। फिर क्या करोगे? u को साइलेंट मतलब f(x) को साइलेंट, ठीक है सर, और g" x को, अच्छा कभी भी बोला था आईलेट सॉल्व करो तो i = लेके खेला करो, ये i = लेके खेला करो, ठीक है, i = लेके खेला करो, ठीक है। अच्छा, ये f(x) का f(x) साइलेंट रहा, g" का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? g' x। फिर माइनस में यहां पे क्या करेंगे, f(x) को साइलेंट रखा, फिर g" का उसका इंटीग्रेशन कर दिया माइनस के अंदर, अब इंटीग्रेशन में जिसको साइलेंट रखा था उसका डिफरेंशिएशन कहीं f' x तो नहीं होता सर? हाँ f' x ही होता है। फिर g' x जो यहां पे लिखा इंटीग्रेशन के बाद वो एज इट इज यहां पे चिपकाएंगे, मतलब यहां पे लिख रहे होंगे g' x। अच्छा सर, अब आगे कंटिन्यू करो, आगे कंटिन्यू करो, माइनस के अंदर अब इसका करते हैं, तो ये u रहा आपका, तो यहां पे u को क्या करेंगे? साइलेंट, मतलब यहां पे होगा g x। ये आपको अपीयर तो रहा है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ठीक है। तो यहां पे हो गया g x, और फिर यहां पे f" x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? f' x, ठीक है। माइनस के अंदर मैं ऊपर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन के अंदर जो g x है उसका डैश कर दो, g' x, ठीक है, इंटू में जो यहां पे लिखा है f' x। क्या आपको दिखेगा कि ये माइनस का हो रहा है, तो ये और ये प्लस का हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपको दिख ही गया होगा, f(x)g' x माइनस में g(x)f(x), ठीक है, दिख गया आपको, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज आपको log x।
इंटीग्रेशन में लॉग एस, कई बार आपको ये भी दे देगा, एक नंबर वाले सवाल में आपको पूछ देगा ये, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, हमेशा सिखाया था लॉग और इनवर्स में वन को सेकंड फंक्शन लेना, और इंटीग्रेशन किसका आसान है, वैसे भी आईलेट से देखोगे तो आई एल, हालांकि लॉग पहले आ रहा है, अरे लॉग पहले आ रहा है, इनवर्स लॉग पहले आ रहा है ना, बट इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, तो इसको मैं भी बोल दूंगा और इसको यू बोल दूंगा। फिर अगली लाइन में सिखाया कि लॉग एक्स को साइलेंट रखना है और इसका मार देना है इंटीग्रेशन, तो इसका तो एक्स होता है, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर लॉग एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन तो वन अपॉन एक्स, अरे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, और जो यहां पे लिखा है एक्स उसको साइलेंट रखेंगे, तो इसका हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, तब तो ये पार्टी कैंसिल हो जाएगी, एक्स लॉग एक्स और वन का इंटीग्रेशन होता है माइनस एक्स। तो हमेशा याद रखना कि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना, दैट इज एक्स कॉमन लॉग एक्स माइनस में वन, ठीक है। याद रखोगे लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, कई जगह काम में भी आ जाएगा, ठीक। तो हमेशा माना गया कि लॉग के क्वेश्चन में कभी भी आपको जहां पे खाली लॉग दिया हो और लॉग के अंदर कुछ भी भरा हुआ हो, इनटू वन हमेशा सेकंड फंक्शन लेना। ए क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो, तीनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, इनटू वन सेकंड फंक्शन, और जो सेकंड फंक्शन वन लिया है इसी को भी बोलना है। आईलेट रूल यहां पे नहीं देखना कि आईलेट में एल पहले आ रहा है, अलजेब्रा बाद में, तो एल को यू बोल दिया, ठीक है। यहां पे तो आईलेट फेल हो रहा है ना, हमको वन दिया थोड़ी था अलजेब्रा, वो तो खुद से लगाया, तो आईलेट फेल हुआ, तो अपन ने वन को भी मान लिया, ठीक है। तो वन एज अ सेकंड फंक्शन, तो वन को यहां पे इनटू वन सेकंड फंक्शन लिया और उसी को भी बोलूंगा, सोचूंगा नहीं आईलेट रूल यहां पे, क्योंकि आईलेट रूल मैंने खुद से क्रिएट किया, आईलेट को फेल हो रहा था, ठीक है। चले तो आप ये तीनों ट्राई कर रहे हैं ना खुद से, आईलेट रूल इनटू वन सेकंड फंक्शन लेके, तो ये भी क्वेश्चन में यहां पे अच्छा, डिग्री वाले क्वेश्चन में फंक्शन इनसाइड को टी बोलना है, डिग्री वाले क्वेश्चन में फंक्शन इनसाइड को टी बोलना है। कोई एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं, ये वाला क्वेश्चन में सबसे टफ लग रहा होगा आपको, इसको करके दिखा देता हूं। इंटीग्रेशन में दिया है एक्स प्लस में रूट के अंदर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और इसकी डिग्री दी हुई है एन, ठीक है। अब मैं इसका डिग्री वाले सवाल में जो भी अंदर होगा उसको टी बोलूंगा, एक्स प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी बोलूंगा, ठीक है। और यहां से फिर मैं डीएक्स निकालने जाऊंगा, एक सेकंड मैं थोड़ा चालाकी करूंगा, क्या यहां पे लिखूंगा एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस में एक्स। हालांकि डायरेक्ट भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं ना कैसे इजी किया जाता है यहाँ पे दिमाग लगा के, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, ये रूट गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तब तक ये दुनिया में दिखेगा टी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का टू टी एक्स, ठीक है। यहां से देखोगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये दिखेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस में टू टी एक्स। क्या ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो, क्या टू स्क्वायर का टू टी माइनस में टू टी एक्स को कैसे करोगे, यू डॉट वी रूल लगा के। तो मैं यहां से दिखा देता हूं, यहां से जो dx हो जाएगा आपका, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको dx ये हो जाएगा। अब मैं जल्दी से रिप्लेस कर लेता हूं, अगर मैंने इसकी जगह बोला तो t की पावर n हो गया, dx की जगह क्या लिखूंगा वन अपॉन में टू प्लस में ए स्क्वायर बाई टू टी स्क्वायर, आया कहानी समझ में, इन टू में dt, ठीक है। अच्छा t की पावर n की इससे गुणा हुई तो ये हो गया वन अपॉन में टू इंटू टी की पावर n, ठीक है, प्लस में अगर इससे गुणा होगी तो ए स्क्वायर तो ऊपर होगा ही और नीचे से हो जाएगा टू, अच्छा t स्क्वायर ने t की पावर n को मार दिया तो क्या हो गया t की पावर n माइनस में टू, क्या इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, अरे t की पावर n अपॉन टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t की पावर n प्लस वन अपॉन में टू, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t की पावर n माइनस टू प्लस वन अपॉन में n माइनस टू प्लस वन, कर लोगे ना, ए स्क्वायर बाई टू तो कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दोगे, तो इसके बाद आप कर लोगे, आया कहानी समझ में। तो डिग्री वाले क्वेश्चन में हमेशा टेक फंक्शन इनसाइड इज इक्वल टू टी, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। चले मूव करते हैं जल्दी से, एक बार मैं टाइमिंग चेक कर लूं तो 43 मिनट्स का हो गया, आज का क्लास थोड़ा लेंदी होगा, मैं 10 मिनट और आपको पढ़ा देता हूं आपका टाइम लेके, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल फंक्शन, और एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि कल 7:15 में लाइव सेशन जुड़ना मत भूलना, ठीक है, 25 मार्च को, मैं आपको डेट बता देता हूं, बहुत लोग हो सकता है बाद में वीडियोस देखे, तो 25 मार्च को 7:15 में मैं लाइव आऊंगा अनअकैडमी पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन स्टार्ट करेंगे, मैंने नोटिफिकेशन भी उसका दे दिया है और मैं कम्युनिटी सेक्शन में भी उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो कल जरूर जुड़ना मेरे साथ 7:15 PM में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे वहां पे, वहां 11th पढ़ेंगे और यहां अपने चैनल पे अपन 12th पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो जरूर, और लाइव सेशन होगा वो तो आपको मजा आएगा, मुझसे डायरेक्टली पहली बार आप इंटरेक्ट करोगे और पहली बार मुझसे लाइव पढ़ोगे, ठीक है। चले तो इंटीग्रेशन के अंदर लीनियर बाय लीनियर क्या पढ़ा हुआ है, तो लीनियर बाय लीनियर हो तो लीनियर बाय लीनियर तो सीख के आ रहे हैं ना, क्या करते हैं सेम डिग्री अपॉन में सेम डिग्री, या तो मैनिपुलेशन करते हैं या तो डिवाइड, कब सीखा था सर, पहले लेक्चर में जाके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है।
जितने भी प्रकार के रेशनल और इरेशनल टाइप बनते हैं ना इंटीग्रेशन, सभी मैं आपको दिखा देता हूं। इसके बाद कोई बच ही नहीं जाएगा आपको। दो लेक्चर और आएगा, मे बी एक ही लेक्चर है, ट्रिगो फंक्शन वाला अपन इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, फिर वाली एक फंक्शन होता है, फिर गामा फंक्शन होता है वो पढ़ लेंगे, और एक अपन सबसे वो सीखा था ना कि नीचे की डिग्री बड़ी हो जाए ऊपर की डिग्री छोटी तो कैसे करते हैं वो। तो हो सकता है एक या दो लेक्चर और आए इंडेफिनिट का, उसके बाद कहानी खत्म। ठीक है, अच्छा अब मूव करते हैं नेक्स्ट। तो डीएक्स अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा खेल ही आपको सिखा दिया। क्या या तो होल स्क्वायर मेथड और फैक्टराइज हो गया तो बहुत आसान है, फैक्टराइज हो गया तो फैक्टराइज कर लो, और नहीं तो फिर होल स्क्वायर करो और फोटो मैच। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी कहानी अपन ने आपको सिखा दिया। ठीक है, इस पे बात करते हैं। लीनियर अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इनटू रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंस जैसा फोटो बनाएंगे लीनियर को। कैसे सर? सवाल से इसको सीख लेते हैं, इसको सवाल सिखा देगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या ये लीनियर अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो एक काम करते हैं, सवाल पूछेंगे इसके कि तुम इसका डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन हो, तो ये जवाब देगा ये डिफरेंशिएशन है 6x + 4 का। तो जो लीनियर मुझे दिख रहा था 2x + 3 ना, अब मैं उसको चेंज कर दूंगा और मैं अपने तरफ से लिख दूंगा 6x + 4। क्या सिखाया सर? जब भी लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछूंगा कि तुम किसका डिफरेंशिएशन हो। उसने बोला मैं 6x + 4 का डिफरेंशिएशन हो, तो मैं ऊपर उसका डिफरेंशिएशन जो बेचारा 2x + 3 था उसको 6x + 4 बोल दूंगा। ठीक है, और नीचे रूट में आपका चल रहा है, रूट में 3x स्क्वायर प्लस में 4x और बैलेंस करना भूल गए, अभी करूंगा। ठीक है, अभी करूंगा बैलेंस। ठीक, कितने लोगों को दिख गया कि 6x + 4 करना मतलब 4 जोड़ देना। ठीक है, 4 जोड़ देना। अच्छा एक मिनट, ये 6x था बट यहाँ 2x था, तो किस चीज की डिवाइड लगाऊं कि 6x 2x बन जाए? बच्चे ने बोला 1/3 का डिवाइड मार दो सर। अरे 6 में 3 का डिवाइड 2x बन जाएगा ना, मैंने कितना एक्स्ट्रा जोड़ा? मैंने 4 एक्स्ट्रा जोड़ा। नहीं, बच्चे ने बोला सर 4/3 जोड़े हो, क्योंकि 1/3 बार भी तो आप चिपका दिए ना, तो मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा 4/3। पहले से 3 दिया था तो मैंने 3 में से 4/3 घटा दिया और इसको सेपरेट कर दिया, किसको? dx अपॉन में रूट में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1। आई कहानी समझ में आपको? पूरी कहानी समझ में आई आपको? क्या मैंने किया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट किया, फिर जो जो एक्स्ट्रा लगाया था उसको बाहर मैंने मैनेज भी किया। मैंने 2x जोड़ने के लिए 1/3 की डिवाइड मारी। फिर बच्चे ने बोला सर आप 4 जोड़े। मैंने बोला 4 नहीं जोड़ा, 4/3 जोड़ा। अरे 1/3 बाहर है ना, तो 4/3 कर देगा ना, तो 4/3 एक्स्ट्रा जोड़ा। 3 पहले से था मेरे घर में तो मैंने 3 में से 4/3 घटा दिया ताकि बैलेंस हो गया, और फिर मैंने इसको सेपरेट भी कर दिया। ठीक, तो ये तो काम इसलिए चालाकी किया कि ऊपर वाला डी टी बन जाए और ये नीचे बेचारा रूट टी बन जाए। अगर इसको टी स्क्वायर बोलोगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। प्लस में ये तो घटा लोगे, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस में 4 दैट इज 5/3, और ये तो फोटो मैच कराएगा कैसे? अरे ये तो डीएक्स अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो या तो फैक्टराइज के कटघरे में जाएगा या तो आपको होल स्क्वायर मेथड के कैटेगराइज में जाएगा, और फिर क्या करते हैं अपन? फोटो मैच करते हैं। तो करूंगा क्या? नहीं करूंगा। क्यों कर लोगे? फोटो मैच तो आपको आता है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, खुद से कर लेना। डू योरसेल्फ कैसा काम करोगे? नहीं, ये डू योरसेल्फ नहीं है, सॉरी, ये तो अलग वेराइटी है, और इसके लिए अपन यहां पर सीख लेते हैं। एक बार टाइमिंग मैं चेक कर लूं, टाइम ज्यादा 47 मिनट हो गया। ये मैं अच्छे से नेक्स्ट क्लास में आपको सिखा दूंगा, या फिर ये लास्ट टॉपिक है। नहीं, करा ही देता हूँ, लास्ट टॉपिक है आपका आज का। तो देखो यहाँ पे जब भी dx अपॉन में लीनियर इनटू रूट में लीनियर दिखे, क्या इस पूरे सवाल में आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या? नहीं ना, रूट में लीनियर दिख रहा है। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो तरीका सिखाया हुआ है, रूट की चीजों को टी स्क्वायर बोल दो, तो रूट की चीजों को चूंकि लीनियर था रूट में मैंने उसको टी स्क्वायर बोल दिया। अच्छा लीनियर है रूट में, मैं लीनियर रूट की चीजों को टी स्क्वायर बोलूंगा, बट आज के दिन रूट में लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, इसीलिए बाहर लीनियर है, तो मैं आपकी बार लीनियर को 1/t बोलूंगा। आया? और अगर सर लीनियर हो ही नहीं तो, तो हर बार x लीनियर होगा, तो x को मैं 1/t बोलूंगा, याद कर लेना यहां पे। कैसे? रूट में लीनियर देखा तो रूट की चीजों को t स्क्वायर सर ने सिखाया है, यहां पे भी रूट में लीनियर है t स्क्वायर बोला, यहां पे भी रूट में लीनियर है रूट की चीजों को t स्क्वायर बोलते हैं t स्क्वायर बोला, यहां पे लीनियर बाहर है, तो जब भी लीनियर बाहर होगा रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो रूट की चीजों को टी स्क्वायर मत बोलना, क्योंकि ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप टी स्क्वायर बोलोगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए लीनियर को ही उठा के 1/4। और अगर सर कल को लीनियर ही ना हो तो एक्स को 1/t बोलना। तो खेल दो ही तरीके से खेलना है, एक तो लीनियर को टी स्क्वायर बोलना है और एक लीनियर को 1/t बोलना है अगर वो रूट में नहीं होगा तो। याद करना भी आसान है ना, रूट में टी स्क्वायर बनेगा, रूट में नहीं होगा खुले में होगा तो 1/t बोलूंगा, और अगर कल को लीनियर है नहीं तो एक्स को 1/t बोलूंगा, जैसे इस सवाल में।
क्या लीनियर है? खुद से पूछो, क्या लीनियर है? नहीं है लीनियर, तो x को 1 अपॉन t. लीनियर होता तो देखता, अगर रूट के अंदर होता तो t स्क्वायर बोलता, और बाहर होता रूट में नहीं होता तो लीनियर को 1 अपॉन t बोलता. अगर x को 1 अपॉन t बोला तो कितने लोगों को पता है dx बेचारा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर. अब सब्स्टिट्यूट करना जल्दी से, 1 अपॉन में x स्क्वायर को तो मैं बोलूंगा सर 1 अपॉन में t का होल स्क्वायर, ठीक है सर, इनटू में एक्स स्क्वायर बनेगा आपको 1 अपॉन में t की पावर 4, सोच जाना, प्लस में 1, ठीक है, इनटू में dx तब तक बन जाएगा आपको माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर. आ रहा है कहानी समझ में? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक बच्चे ने बोला सर ये t स्क्वायर ऊपर जाएगा और t स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये आपको इंटीग्रेशन में दिखेगा 1 अपॉन में रूट के अंदर t की पावर 4 नीचे. अच्छा सर, और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस में t की पावर 4, क्या आपको दिखा? अब t की पावर 4 ऊपर जाके t स्क्वायर बन जाएगा और ये नीचे से दिखेगा रूट के अंदर 1 प्लस में t की पावर 4 इनटू में dt. सॉरी मैंने एक जगह यहां पे गलती कर दी, जल्दीबाजी में क्योंकि होता है x स्क्वायर है ना, तो ये 1 / t स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, तो ये 1 / t स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहां पे भी रेस कर देता हूं. तो हर जगह मैंने इंप्रूव कर दिया, यहां t स्क्वायर है, यहां भी t स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी यहां t हो जाएगा, t स्क्वायर से खुला t हो जाएगा, यहां पे t स्क्वायर, ठीक है. तो कितने लोगों को ये दिख गया? ये तो कहीं देखे थे, कहां देखे थे? ऊपर t, नीचे 1 अपॉन रूट में 1 प्लस, भूल भी गए, तो नीचे वाला आपको दिख रहा है 1 डिग्री का डिफरेंस, अरे यहां पे 1 यहां पे 2, 1 डिग्री का डिफरेंस. सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर याद है आपको तो आपको याद होगा आंसर हमेशा नीचे वाला होता था. अरे वो बोला था ना ऊपर x अपॉन में रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, तो हर बार आंसर नीचे वाला, तो या तो वो वाला याद है तो ठीक है, नहीं तो 1 डिग्री का डिफरेंस वाला कांसेप्ट तो याद ही होगा. सब्स्टिट्यूशन मजा आया होगा इस लेक्चर में, तो बहुत मजा आया होगा आपको, कितने सारे वैरायटी मैंने आपको दिखा दिया, सिखा दिया, ट्रिक भी बता दिया. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ट्रिगो वाले इंटीग्रेशन जितने भी पॉसिबिलिटी है ट्रिगो वाले सब दिखा दूंगा, और फिर आपको वो भी सिखा दूंगा नीचे की डिग्री बड़ी ऊपर की कैसे करते हैं, फिर आपको ये भी सिखा दूंगा वाली और गामा एक होता है, ठीक है, वो भी सिखा दूंगा आपको, ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और WBCE के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हैं एग्जाम से पहले सभी देख लेना, ठीक है. मिलते हैं कल लाइव सेशन में, मिलेंगे अनअकैडमी चैनल पे, ठीक है. तो उसका मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के लिंक दे दे रहा हूं और अपडेट कर दूंगा, ठीक है. और टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाना, जितने भी वीडियोस का अपडेट होते हैं मैं वहां पे दे देता हूं, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे भी जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद. पढ़ाई करते रहना, कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में इन्फॉर्म कर देना, या फिर नीचे मेरा नंबर होगा उस पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है. धन्यवाद जी.